नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे फ्यूचर्स ऑफिसर चैनल पर। और आज के जो वीडियो में आप लोग के लिए जो लेकर आया हूँ, ये IDBI जो कि इंडस्ट्रियल बैंक की तरफ से जो आया हुआ है वो मैं पोस्ट आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मेरा आप लोग को सुप्रभात, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी हो जिस आप लोग स्टेट पर अभी देख रहे हो। तो आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोग के लिए यहाँ पर बताया, जैसे कि ये जो कि इंडस्ट्रियल बैंक की तरफ से आया हुआ था, इसकी बहुत बड़ी वैकेंसी है जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। फौरन ही इसे ध्यान से देखिएगा, साथ साथ इसे ध्यान से सुनिएगा। इसकी जितनी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है मैं सब यहाँ पर दूंगा। और आखिर में एक मैं बात आप लोग से कहूँगा कि यदि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करनी हो तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। और इस वीडियो में किसी प्रकार के लिए आपको संकोच महसूस होती हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके सभी प्रकार के संकोचों को अवश्य ही दूर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। तो जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया था कि ये जो वैकेंसी आई हुई है ये आपके IDBI जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूं कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल बैंक के तरफ से जो कि वैकेंसी आया हुआ है ये मैं आप लोग के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। साथ साथ इसके पोस्ट संख्या जो भी हो, क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है, एज डिटेल क्या है, सैलरी क्या है, सब मैं आप लोग को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। और तो आगे मैं बढ़ते हुए आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि इसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कर रही है, तो आप लोग जानते ही होंगे, ये जेन्युइन बात है, ये आप लोग जानते ही होंगे। और उसके आगे में हम लोग बढ़ते हैं, तो आगे हम लोग को मिलता है कि पोस्ट नंबर कितने हैं। तो पोस्ट नंबर मैं आप लोग को यहाँ पर बता दूँ तो कि ये 40 पोस्ट पर निकल चुका है जो कि ये 3 कैटेगरी पर आया हुआ है। इसे मैं अपने डिस्प्ले पे भी दिखा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से अच्छे से देख सकते हो बिना बेझिझक के। और आगे मैं बताऊँ तो ये जो 3 कैटेगरी पर आया हुआ था वो क्या क्या है, तो डिप्टी जनरल मैनेजर जो कि ग्रेड डी के होगी वो उनके लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर जो कि ग्रेड सी के लिए होगी उनके लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है, और साथ साथ मैनेजर ग्रेड बी के लिए जो कि 32 पोस्ट यहाँ पर आई हुई है। और एज लिमिट की यदि मैं बात करूँ तो एज लिमिट यहाँ पर मिनिमम 18 साल रखा गया है। और साथ साथ यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग को बताया गया है कि आप लोग का उम्र जो कि है ये 35 साल से अधिक भागना नहीं चाहिए, और इसके जो कि मैक्सिमम एज रखा गया है यहाँ पर 45 साल निर्धारित किया गया है। आगे मैं आप लोग को यहाँ बताऊँ तो इसकी सैलरी जो कि बहुत अच्छी दी जा रही है, ये आपकी सैलरी यहाँ पर 53,900 रुपये है। साथ साथ यदि मैं कहूँ तो ये आप लोग को 54,000 रुपये पर मंथ जो कि दिया जा रहा है, ये आप लोग डिस्प्ले पे देख भी सकते हो। साथ साथ आगे मैं बताऊँ कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन में आप लोग को बताऊँ तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप लोग को जो कि यहाँ पर मस्ट बी पास यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि ग्रेजुएट आप लोग को पास होना होगा, साथ साथ CA, MBA, CFA ये यदि करके रखे हैं तो एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। साथ साथ आगे मैं बताऊँ तो इसके सलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, इसके सलेक्शन प्रोसेस जो कि है पर्सनल इंटरव्यू होगी, साथ साथ ग्रुप डिस्कशन पर आधारित यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आगे एग्जामिनेशन फी की बात करें तो एग्जामिनेशन फी यहाँ पर जनरल OBC बच्चों के लिए, कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 700 रुपये निर्धारित किया गया है। साथ साथ ST, SC, PH और BC के लिए यहाँ पर 150 रुपये निर्धारित किया गया है, 150 रुपये निर्धारित किया गया है, ये ज़्यादातर है नहीं, ज़्यादा यदि एक नज़र से देखें तो ये जनरल बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा ही रखा गया है। साथ साथ ST, SC के लिए कहें तो ये उनके लिए सुटेबल होगी। हाउ टू अप्लाई मैं यदि दिखाई तो हाउ टू अप्लाई इसे मैं अपने डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ, आप लोग देख भी सकते हैं। साथ साथ ऑफिशियल वेबसाइट मैं यहाँ पर अपने डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। और आगे मैं इम्पोर्टेंट डेट की यदि बात करूँ तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है ये आपके अभी निर्धारित, इसकी जो इम्पोर्टेंट डेट है ये आपका अभी निर्धारित नहीं किया गया है, और इसे आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हो। साथ साथ आपको किसी भी प्रकार के संकोच महसूस हो तो मुझसे पुनः आकर इस चैनल पर कमेंट करके नीचे पर पूछ सकते हो। साथ साथ यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।